नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पहली खबर बलरामपुर से है, जहां जिले में खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि प्रशासन का कोई खौफ नहीं दिख रहा है। जहां धड़ल्ले से मिट्टी खनन का काम कई स्थानों पर चल रहा है, वहीं प्रशासन से शिकायतों के बावजूद भी खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। दरअसल ग्राम सभा शेखपुर में दबंग खनन माफियाओं ने खबर करने गए एक पत्रकार पर भी हमला बोल दिया। इतना ही नहीं, खनन माफियाओं ने पत्रकार से उसकी मोबाइल और सोने की चैन भी छीन ली। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। ग्राम शेखरपुर थाना क्षेत्र कोतवाली देहात में कल मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें एक पक्ष पत्रकार है और दूसरा पक्ष उन्हीं के पत्रकार हैं। इनके बीच में बीती रात को कोई विवाद हुआ, जिसके संबंध में अगले दिन कल आपस में इनके बीच में मारपीट हुई, जिसमें थाना कोतवाली देहात पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जो भी साक्ष्य हैं उसके आधार पर जो अभियुक्तगण हैं उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित कराई जा रही है। अगली खबर सोनभद्र से है, जहां जिला अस्पताल में इलाज कराने आए कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि जिला कारागार से कैदी इलाज कराने जिला अस्पताल आया था, इसी दौरान पुलिस कर्मियों की लापरवाही से कैदी मौका देखकर फरार हो गया। इस घटना के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है, वहीं पुलिस फरार कैदी की खोजबीन में जुटी है। ये लल्लू केवट है, सनाप राम विचार, ये मोटा थाना चौपन का रहने वाला है और अप्रैल 2020 से तीन लोगों के मामले में बंद था, जो अपने ही लड़के मारा करते और ये टीबी का पेशेंट था। उसका इलाज कराने के लिए जिला अस्पताल में पुलिस फोर्स के साथ लाया गया था और उसी मेडिकल के दौरान ही ये यहाँ से गायब हो गया है, जिसकी तलाश सरगर्मी से की जा रही है। खबर बलरामपुर से है, जहां जिले के गौरा थाना से महज 100 मीटर की दूरी पर एक सर्राफा व्यवसायी की दुकान से बाइक सवार चोरों ने लाखों के जेवरात उड़ा ले गए। वहीं ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद दुकानदार की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की छानबीन कर रही है। ये पूरा मामला गौरा बाजार में थाना के सामने सर्राफा व्यवसायी की दुकान का बताया जा रहा है। गौरा थाना क्षेत्र में कल एक सर्राफा व्यापारी हैं विजय जायसवाल जी, उनकी दुकान पे चोरी की घटना हुई है। इसमें उनके द्वारा ये बताया गया कि दो संदिग्ध व्यक्ति उनकी दुकान पर आए थे और कुछ ज्वेलरी खरीदने के बहाने वो वहां पे रहे और जब तक वो बिलिंग और दिखा रहे थे तब तक धोखे से वो लोग उनके सोने की कुछ ज्वेलरी उठा के चले गए। इस घटना के संबंध में थाना गौरा पे अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और सर्विलांस टीम की मदद से प्लस जो सीसीटीवी कैमरे की कुछ फुटेजेस वहां से प्राप्त हुई है उसके आधार पे हम लोग घटना के अनावरण का प्रयास कर रहे हैं। अगली खबर बांदा से है, जहां 58 बैंक खाता धारकों के खातों से लाखों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां खाता धारकों ने मंडलायुक्त को ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगाई है। ये पूरा मामला चिल्ला थाना क्षेत्र के पपरेदा आर्यव्रत बैंक का बताया जा रहा है। मामला ये है सर कि हमारे पिताजी के खाते से 4,20,000 का गबन हुआ है, जिसमें 22 जनवरी को मैंने कहा था 1,00,000 निकाल दीजिए, तो बोले नहीं निकलेगा। इसके बाद 1 फरवरी को 2,50,000 निकाले था बैंक मैनेजर, वो भी बैंक मित्र के खाते में डालता है। इसके बाद अपना बंदरबार करते हैं। कितने लोगों का अब तक पैसा निकला? यहाँ से कम 100 से ऊपर आदमी है। इन लोगों का लगभग कितना पैसा निकल गया? लगभग तो कंप्लेन नहीं, लगभग 40,00,000 के ऊपर होगा। तो ये सभी ग्रामीण कहाँ के हैं? ये ग्राम निवासी। ये किस बैंक के द्वारा किया गया? आर्यावर्त बैंक पपरेंदा साहब। अच्छा, इस घटना जो हुई है इसमें गांव के लगभग कितने लोग हैं? लगभग 100 से 125 आदमियों का पैसा निकाला गया। लगभग कितनी रकम का घोटाला किया गया? इसमें मेरे अंदाज से लगभग 45 से 50 लाख के लगभग रुपए का घोटाला। अच्छा, इस संबंध में किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई पूर्व में की गई है? जी सर, इसके अभी जो ये वर्तमान समय में चल रहा है इसमें हम लोग थाने में दिया है एप्लीकेशन, तो उसके खिलाफ मैनेजर साहब ने स्वयं जो है बैंक मित्र के ऊपर झेल रहे हैं। अगली खबर गोंडा से है, जहां धानेपुर थाना क्षेत्र में 12 साल के लड़के का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले लापता बालक का बिसुही नदी में शव मिला था, जिसके बाद परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है।
फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी है। बारह वर्षीय बालक के गायब होने की सूचना थाना धानेपुर पर प्राप्त हुई थी। उसके आधार पर अभी पंजीकृत किया गया था। पुलिस तथा परिजनों द्वारा उसकी तलाश की जा रही थी। इसी क्रम में आज गांव के पास बिस्कुही नदी में बालक का शव बरामद हुआ है। शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई पूरी करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों से पूछताछ की जा रही है। आगे साक्ष्य के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबर गाजीपुर से है, जहां नंदगंज थाना क्षेत्र में एक प्राइवेट नर्सिंग होम की डायरेक्टर ने पत्रकारों पर आरोप लगाए हैं। डायरेक्टर मालती सिंह ने बताया कि कुछ पत्रकार हमारे नर्सिंग होम पर आए और हमसे हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन मांग रहे थे, जिसको लेकर के मैंने कहा कि हमारे डॉक्टर साहब नहीं हैं, लेकिन वो लोग नहीं माने और हमारे हॉस्पिटल का वीडियो बनाने लगे। जब हमने इसका विरोध किया तो उन्होंने कहा कि आपका हॉस्पिटल अवैध रूप से चल रहा है। डायरेक्टर मालती सिंह ने कहा कि हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन पहले से है, हमारा हॉस्पिटल अवैध तरीके से नहीं चल रहा है। हॉस्पिटल सुचारू रूप से सही है और रजिस्ट्रेशन के साथ है, इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। जी सर, कुछ मेरे अनुपस्थिति में पत्रकार आए हुए थे जो कि मना करने के बावजूद भी वीडियो बना रहे थे बेवजह का, और मेरे स्टाफों के साथ मना करने के बावजूद अभद्रता कर रहे थे, और उनका उद्देश्य सिर्फ धन उगाही है और कुछ भी नहीं। कई की संख्या में थे लोग? तीन लोग थे। अब तो ऐसे में क्या आपका हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन है? जी बिल्कुल रजिस्टर्ड है मेरा हॉस्पिटल, मेरे हाथ में ये रजिस्ट्रेशन पेपर भी है। कल हमारे हॉस्पिटल पे कुछ पत्रकार लोग आए थे और बोल रहे थे यहाँ पे कुछ कैजुअल्टी हुआ है, जबकि हमारे हॉस्पिटल पे ऐसा कभी हुआ ही नहीं। हमने उनसे बोला कि हो सकता है आपको कोई गलतफहमी हुई हो, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। हमने उनसे इज्जत से रिस्पेक्ट के साथ बात कर रही थी, वो बदतमीजी से बात कर रहे थे, बेहद तरीके से बात कर रहे थे। मैं बोली मेरे डॉक्टर साहब नहीं है, आपको जो भी करना अस्थाई रूप से बैठ के हमें बताइए, हमारे डॉक्टर साहब आते हैं तो हम बताएंगे उनको, फिर आपको बात करा देंगे। वो बोल रहे हैं कि नहीं यहाँ पे कैजुअल्टी हुआ है, फला चिला हॉस्पिटल पे आरोपी पे आरोप लगाते जा रहे हैं। मैंने कहा कि यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं, फिर बोल रहे हैं अगली खबर मैनपुरी से है, जहां सोशल मीडिया पर रातों रात एक छात्रा के डांस का वीडियो इतना वायरल हुआ कि उसे 3 दिन में करोड़ों लोगों ने देख लिया। वहीं वीडियो वायरल होते देख परिजन इतने घबरा गए कि छात्रा को कुछ दिन स्कूल जाने से रोक दिया। 4 दिन बाद गाँव से स्कूल के लिए निकली कक्षा 11 की छात्रा आकांक्षा जब घर नहीं पहुंची तो पिता ने स्कूल जाकर पता किया, जहाँ स्कूल के अटेंडेंस रजिस्टर में छात्रा एब्सेंट थी। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। अगली खबर हरदोई से है, जहां ब्राह्मणों के दर्द की दास्तां दिल्ली तक पहुंच गई और उसके बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के निर्देश के बाद यूपी कांग्रेस से 8 सदस्यीय डेलीगेशन पूर्व मंत्री नकुल दुबे के नेतृत्व में हरदोई पहुंचा। दरअसल मामला हरपालपुर थाना क्षेत्र के बरनई चतरखा गांव का बताया जा रहा है, जहां 17 अगस्त को लगभग 3 घंटे तक जमकर पत्थरबाजी हुई थी। इस मामले में पीड़ित स्थानीय पुलिस से लेकर एसपी तक से गुहार लगाई, लेकिन संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद 2 दिन बाद ब्राह्मण परिवारों ने दीवारों पर गाँव से पलायन कर जाने की मजबूरी को लिखा। फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले की जाँच पड़ताल कर रही है, निष्पक्षता से जाँच करने की बात कही है। यहाँ तो स्थिति बहुत ही चिंताजनक और बहुत ही गंभीर है। जिस तरह से पूरा का पूरा गांव छावनी में तब्दील करके एक अजीबोगरीब वातावरण फैलाया गया है, लेकिन वास्तव में जो लोग अभियुक्त हैं या जिन लोगों ने इस तरह की हरकतें की हैं उनके खिलाफ़ हम देखते हैं बहुत ज़्यादा प्रशासन उनके खिलाफ़ बहुत गंभीर नहीं दिखाई पड़ रही है। जिस तरह से मैंने लोगों से बात सुनी है कि एक साहब तो रस्सी से लटक ही गए थे, पुलिस प्रशासन ने पुलिस वालों ने जाकर को अस्पताल में भर्ती कराया। जिस तरह से अभी बेटी की बात सुन रहा था मैं, और जिस तरह से एक साहब थे दिल्ली में उनका घर तोड़ करके उसमें 4-5 लाख रुपए का उनका सामान ले जाया गया और अभी तक पुलिस ने उस पर FIR तक नहीं लिखने की जहमत उठाई। खबर कर्णप्रयाग से है, जहां बीते 2 दिनों से बंद पड़े नैनीसैंण मोटर मार्ग को खोल दिया गया है, जिसके बाद वहाँ के लोगों ने राहत की सांस ली है। बता दें कि लोक निर्माण विभाग ने JCB की सहायता से सड़क में आए मलबा
और चट्टान को काटकर मार्ग को सुचारू रूप से चालू कर दिया है। आवागमन के लिए ये पूरी तरीके से अब रास्ता खुल गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।